गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम जो है मोटर वर्क करने वाले हैं। ये रहा मेरा बाइक 350। सो मोटर ब्लॉक का पहला एक्सपीरियंस हम करने वाले हैं, जो कुछ भी मेरे को पता नहीं है कैसे करते हैं। बस GoPro 11 लाया हूँ और इसका सेटअप कर दिया हूँ YouTube देखकर। बस निकलते हैं अभी। अभी जो है सुबह की 7 बज रहा है और मैं भुवनेश्वर से मेरा घर जा रहा हूँ। अब चलिए क्या ना, दशहरा आ रहा है तो उसके वजह से 2 दिन के लिए मेरा फिर छुट्टी है। तो ऐसे भी सैटरडे संडे तो छुट्टी ही रहता है फिर भी, और 2 दिन मंडे या ट्यूसडे को छुट्टी भी मिल गया है, तो इसलिए घर चला जा रहा हूँ। सो वाओ, लुक्स ब्यूटीफुल। और पता नहीं मैं माइक का सेटअप किया हूँ, तो माइक में यूज़ कर रहा हूँ मोनो का, पता नहीं कैसे साउंड आ रहा होगा। भाई यहाँ पे हम जो है एक छोटा सा शॉर्टकट लेके नेशनल 16 के ऊपर उतर जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग हो सकता है आई थिंक। शुरू हो गया। ये वाला रास्ता देख सकते हो ना, अरे बाप रे। ओके, लेट्स सी। धीरे धीरे आराम से। तो अभी हम ये नेशनल हाईवे के ऊपर जाने वाले हैं और ये यहाँ पे ट्रैफिक मिल गया। सो सी, यहाँ पे भी हमको राइट लेकर जाना है। तो ये भी हम जस्ट नेशनल हाईवे के ऊपर आ गए। यहाँ से पूरा स्ट्रेट लाइन मेरे गांव की तरफ, ये एनएच एकदम मेरा गांव का आसपास जाता है। ये जो वीडियो शूट हो रहा है ना, ये अभी शूट हो रहा है GoPro 11। ये अभी शूट हो रहा है GoPro का एकदम लेटेस्ट, अभी 12 भी आ गया है लेकिन 11 एकदम लगभग सेम है 12 की जैसा। सो इसमें अभी मैं सेटिंग जो किया हूँ 4K विथ 60 FPS, इसका 10-bit फीचर जो दिया है उसको मैं अभी ऑन किया हूँ, हाइपर स्मूथ भी ऑन है। और ये सारा व्यू जो देख रहे हो ये सुपर व्यू लेंस से किया जा रहा है। एक्चुअली मैं सुबह सुबह राइड करने का मज़ा ही कुछ और ही होती है, क्योंकि धूप नहीं होता, गर्मी भी नहीं लगता है, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, एकदम अच्छा लगता है बाइक चलाने में। सो जैसे कि देख रहे हो ये रोड पूरा एकदम भाई ज़बरदस्त हो गया है। तो यहाँ पर मैं अभी 60-70 के स्पीड में जा पा रहा हूँ। इतना स्पीड एकदम मतलब कंफर्टेबल होता है ये रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का। कंफर्टेबल मतलब 80 तक तो आराम से चला जाता है, 100 के ऊपर भी चला जाता है, लेकिन ये वाला इतना स्पीड इज द बेस्ट स्पीड आई थिंक मेरे हिसाब से। लेट्स सी, यहाँ पर भी थोड़ा सा टंकी में पेट्रोल फुल कर लेते हैं। लेट्स सी, फुल कर दिया। कितना है? 110। हाँ ठीक है। बस वो भी इसमें ना मैं इथेनॉल पेट्रोल डाला हूँ, सो थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं 110 पर लीटर। ओके, लगभग 1 या 2 साल से मैं यूट्यूब में एकदम पूरा इनएक्टिव हो गया था, जो टाइम था जब ये सब करने में मेरे को मज़ा आता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है ना, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कंप्यूटर साइंस ये टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गया। तो देन आई डिसाइडेड टू डूइंग माई
one computer science degree. That's why I am completing my MCA degree. After that I got a place, a software company. So currently I am working there also. About 2.5 years ho gaya hai, and also I am having the 2.5 year experience in a professional healthcare, in healthcare domain. So we are developing a healthcare software that is used by lots of company, healthcare insurance provided company in US. So जब मैं पहले join किया company तो इतना भी चीज़ मैं नहीं सीखा था, जो join करने के बाद company से काम कैसे होता है, कैसे सब टीम वर्क कैसे होता है, टीम वर्क कैसे होता है, ये सब सीखने को मिला। तो हमें जो जो टेक्नोलॉजी हम सब पढ़ रहे थे तो ये सब का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इस सारे कंपनी में हो रहा था। तो धीरे धीरे पढ़ना अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना वो भी अलग बात होता है। तो ये सब सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो इसलिए तो अभी हम जो है यहाँ से लेफ्ट लेके जाएंगे। अभी यहाँ तक ही था हमारा ये नेशनल हाईवे। तो यहाँ से लगभग मेरा गांव जो है कुछ 10 किलोमीटर होगा, आई थिंक 10 या 12 किलोमीटर होगा। लेट्स टेक हियर राइट एंड यहाँ से प्रॉपर हमारा गांव कुछ 5 किलोमीटर होगा। और जय महादेव, साढ़े सौ टेम्पल्स, जय महादेव। बिफोर बाइंग रॉयल इन्फिनिट हंटर 350, मेरे को ना रॉयल इन्फिनिट इतना भी अच्छा नहीं लगता था, बट पता नहीं क्यों यूँ ये वाला बाइक मेरे को अच्छा लगा। देन उसके बाद लाने के बाद में आई लव दिस बाइक, आई लव ऑल्सो रॉयल इन्फिनिट। तो भाई जबरदस्त पिकअप के साथ ये गाड़ी भाई आता है। अरे मैं ना गांव इतना आता नहीं हूँ एक्चुअली, क्या है ना सबटल लाइन पे आने के बाद जो ना इंटरनेट की मतलब हमेशा नीड रहती है। तो मेरे गांव में ना पहले तो इंटरनेट ठीक ठाक आ रहा था और स्पीड भी हो रहा था। तो पता नहीं अभी क्या हो गया, वो एकदम स्लो चल रहा है। दिन में तो हार्डली तुम यूट्यूब देख सकते हो या कुछ काम कर सकते हो। और तो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग वेरी लेट टू माई विलेज। लेंगे लेफ्ट, जस्ट टेक लेफ्ट। तो ये वाला रास्ता फिर मेरे को गांव लेके जाएगा, क्योंकि ये वाला पिच्चू हो गया। पहले टाइम में ये ना एकदम मिट्टी हुआ करता था। और ये रहा मेरा कॉलेज, ये कॉलेज नहीं आई थिंक ये मेरा सॉरी ये मेरा स्कूल है। तो यहाँ पे मैं 10वीं तक यहाँ पे पढ़ा था। तो ऑलमोस्ट गाँव पास हो गया है, तो धीरे धीरे गाँव के लोग भी दिखने लग गए है अभी। चलो अच्छा किया मैं सुबह निकल गया, अभी तक धूप भी हो गया है। अभी टाइम कितना है, सिर्फ 8 बज रहा है सुबह की। मैं निकला था आई थिंक 7:15, कुछ 45 मिनट लगा अभी यहाँ तक पहुँचने में। ये अभी देखो एयरटेल का टावर बैठा है, कुछ एक 1 मंथ हुआ है शायद। एयरटेल को भी स्विच करना पड़ेगा गांव को मैं जब भी आऊँगा। तो फाइनली आई एम एंटरिंग माय विलेज। थोड़ा सा धुंधा तो दिखेगा भाई, गांव है, गांव जैसा भी होना चाहिए ना। और यहाँ पे है हमारा ग्राम देवी माँ द्वारनारायणी टेम्पल्स। और आई एम जस्ट एंटरिंग माय विलेज। ये एक साई था और एक्चुअली में और भी थोड़ा अंदर जाना है। उठे देवी, उठे देवी, हाँ
पर इधर मतलब टाइट नहीं करे हाँ कौन डा कहीं डोरी जे लाइट तो दे अंधार पूरा हो चुका ओ भाई हाँ भल अच्छी भला भी पूरा ट्रैवलिंग रो ना अरे फ्रिज क्या भला अच्छा ओह भाई हाँ काट दे लैपटॉप काट दे चप्पी ही जो है भीतर लैपटॉप काट दे चप्पी ही जो